नमस्कार। खबरों की बदलती परिभाषा ऑप्टिमिज्म एक आशा में आप सबका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरह प्रवान चढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन पर चर्चा से लगाया जा सकता है। दरअसल अमेरिका में भारत के राजदूत ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा कि दोनों ही नेता लगातार संपर्क में रहते हैं। दोनों के बीच 2 जून को फोन पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें पहला ये था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आने और भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। दूसरा ये था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 के विस्तार और उसमें भारत के शामिल होने को लेकर इच्छा जाहिर की। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा देहरादून निवासी वसुंधरा जोशी द्वारा की जा रही समाज सेवा से काफी प्रभावित हुई हैं। अनुष्का ने वसुंधरा द्वारा घर पर मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को बांटने के सोशल मीडिया पर सराहना की है। वसुंधरा ने कहा कि वह DIT यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रही थी, लेकिन डिजाइनर बनने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ दी। कहा कि डिजाइनर बनने के बाद उन्होंने क्रिएटिव डायरेक्टर बनने की ठानी। अब वह डिजिटल मैगजीन सहित कई मैगजीन में बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रही हैं। मुंबई में अपनी प्रतिभा के बल पर काम कर रहे हरिद्वार के प्रतिभाशाली 4 संगीतकारों ने कई स्थानों पर कोरोना योद्धाओं के लिए संगीत की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। वे कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उन्होंने देशभक्ति, दोस्ती और ईश्वर भक्ति पर कई गाने प्रस्तुत किए। टी सीरीज के मालिक स्वर्गीय गुलशन कुमार की बेटी तुलसी कुमार के बैंड से जुड़े संगीतकार राघव राजा, रितेश जोशी और गौरव लॉकडाउन के चलते इन दिनों हरिद्वार में फंसे हुए हैं। यहां अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने कोरोना योद्धाओं के लिए संगीत की प्रस्तुति देकर उनका हौसला बढ़ाने का फैसला किया है। अगर आप भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना में जाकर देश की रक्षा करने का सपना देख रहे हैं तो सफलता.com आपको सुनहरा मौका दे रहा है। आप ये कोर्स 75 दिन और 200 घंटे की ऑनलाइन कक्षा से NDA एग्जाम की परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपका मार्गदर्शन दिल्ली के एक्सपर्ट फैकल्टी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बुधवार को होने वाली बोर्ड सदस्यों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप के भविष्य को लेकर गतिरोध दूर होने की उम्मीद है। इस बैठक में अगले चेयरमैन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की जा सकती है। केंद्र प्रशासित देश जम्मू एंड कश्मीर में आज से सलून, बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर के लिए SOP जारी किए गए हैं, जिनमें सलून्स के साथ साथ क्लाइंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी बताया गया है। तो इसी के साथ आज की मुख्य खबरें समाप्त होती हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें और बने रहिए।